हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये गाड़ी है हुंडई की एक्सेंट 2018 का मॉडल। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी कभी स्टार्ट हो जाती कभी नहीं स्टार्ट हो जाती। तो इसको मैं दिखाने वाला प्रॉब्लम, इसमें जो इमोलाइजर लाइट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे आती है सिक्योरिटी लाइट इसकी यहाँ पे, ठीक है। तो इग्निशन हम ऑन करते हैं तो अब आ गई और गाड़ी हमारी स्टार्ट भी हो जाएगी। और जैसे ही हम देखो दोबारे, कई बार लाइट आ जाती है कई बार लाइट नहीं आती। कई बार लाइट नहीं आती दोस्तों, कई बार आ जाती है। ये देखो अब सिक्योरिटी लाइट नहीं आई और गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे हम इग्निशन ऑफ करके ऑन करते हैं, तो अभी भी लाइट नहीं आई, कई बार आ जाती, दो चार बार लाइट है। ये देखो अब लाइट आ गई है, तब गाड़ी हमारी जो स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है, हम इसका स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। बने रही वीडियो में लास्ट तक। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। दोस्तों इस कंडीशन में जो इमोलाइजर सिक्योरिटी लाइट है वो नहीं आ रही, तो हम स्कैनर में भी इसको स्कैन करके देखेंगे कि क्या फॉल्ट हमको मिल रहा है इसमें। तो रीड ट्रबल कोड 3 16 93 इमोलाइजर ट्रांसपोंडर एरर एक्टिव में है। और इस कंडीशन में हम इमोलाइजर को भी स्कैन करने वाले हैं। इमोलाइजर बोले तो सुमात्रा, इसमें कैमरा साफ नहीं आ रहा है। दोस्तों इंजन में हम इस कंडीशन में हम इंजन को स्कैन करने वाले हैं। इसमें रीड फॉल्ट कोड इमोलाइजर ट्रांसपोंडर एरर, ठीक है। और हम इसको कंडीशन में इमोलाइजर को भी हम स्कैन करेंगे डायग्नोस, जाएंगे हम लाइव डाटा में तो देखने वाले हैं। तो जो हमारी की है लारंटा की है, मतलब इससे जो दो की है इसमें है, और इसी जो स्टेटस ओके है, की स्टेटस नोट चेक सुमात्रा जो इमोलाइजर बोलते हैं वो भी ओके है। और जब इसमें लाइट आ जाएगी, ये देखो जब यहाँ पे लाइट आ जाएगी तो जो हमारी की है वो भी लर्न हो जाएगी, तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। हमको इसकी चाबी में डाउट लग रहा है, इसके चाबी में जो सेंसर लगा है, ट्रांसपोंडर लगा है, उसमें प्रॉब्लम लग रही है। हम पहले कस्टमर से दूसरी चाबी मंगवाएंगे, वो लगा के हम इसको देखेंगे, नहीं तो फिर आगे का प्रोसेस होगा। इसका जो रिंग है, जो की रिंग है, वो उसको चेंज करके देखेंगे जो भी इसका ट्रांसपोंडर है। दोस्तों इसकी जो नई की है वो भी हमने लगा ली थी, तो उसमें भी प्रॉब्लम थी। और ये हमने ये कपलर है ये वाला, इसको क्लीन किया पेट्रोल की मदद से, और जो प्रॉब्लम है हमारी वो सॉल्व हो चुकी। तो चेक लाइट नहीं आती थी, जो प्रॉब्लम थी हमारी उस कपलर में थी, उसमें रस्ट आई थी, मॉइस्चर आ चुका था थोड़ा सा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।